अजमेर में मदार रेलवे स्टेशन के पास देर रात को बड़ा हादसा हुआ है। साबरमती से चलकर अजमेर के रास्ते आगरा कैंट जाने वाली गाड़ी टकरा गई और हादसे का शिकार हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। अजमेर के मदार रेलवे स्टेशन पर बड़ा ट्रेन हादसा सामने आया है। गनीमत रही कि इस दौरान किसी के जन हानि की सूचना नहीं है। अजमेर के मदार रेलवे स्टेशन से थोड़ा पहले साबरमती ट्रेन के इंजन के साथ ही चार डब्बे नीचे उतर गए। अजमेर में साबरमती ट्रेन और मालगाड़ी के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। मदार रेलवे स्टेशन के पास हुआ ये हादसा इतना भीषण था कि साबरमती आगरा कैंट सुपर फास्ट एक्सप्रेस के इंजन समेत चार डिब्बे बिजली के पोल को तोड़ते हुए पटरी से नीचे उतर गए और सीटों पर सो रहे बच्चे, महिला और बुजुर्ग नीचे गिर गए। सभी इंजन और डब्बे जो है मालगाड़ी से टकराए और उसके बाद एक पोल को तोड़ते हुए सभी अपनी पटरी से नीचे उतर गए। आपको सीधी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, मदार रेलवे स्टेशन के पास की तस्वीरें हैं, जहां एक मालगाड़ी खड़ी है। मालगाड़ी से ये टकराई आप देखेंगे, सीधा टकराने की जो तस्वीरें हैं, हादसे की जो तस्वीरें हैं, वो सीधे यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। ट्रेन जो है मालगाड़ी से टकराते हुए और फिर जो है नीचे उतरी है। पहला डब्बा ये है और उसके बाद जो है इंजन है, इंजन के बाद जो है चार डब्बे हैं। रात करीब 1:10 पर हुए ट्रेन हादसे की खबर जैसे ही जिला प्रशासन और रेलवे के अधिकारी को मिली, वो अपनी टीमों के साथ मौके पर पहुंचे और राहत बचाव शुरू किया। हादसे के बाद यात्रियों को करीब 3:16 पर सुरक्षित कोच में बिठाकर रवाना किया गया। गनीमत रही कि ट्रेन हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। दो यात्रियों को मामूली चोट आई, जिन्हें प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। मेरे लिए खुशकिस्मती ये है कि अभी तक कोई पैसेंजर को रिपोर्टेड सीरियस इंजरी, नॉर्मल इंजरी, माइनर इंजरी या कोई भी किसी तरह की चोट वगैरह नहीं लगी है। फिर भी हमने अपनी टीम को जेएलएन और सिविल हॉस्पिटल वगैरह भेज दिया है। साबरमती एक्सप्रेस हादसे की वजह से अजमेर आगरा रेल रूट कई घंटों तक बाधित रहा। इस दौरान कई ट्रेनों का रूट बदला गया और कई ट्रेनें कैंसिल करना पड़ा। हादसे वाली ट्रेन को डाउन ट्रैक के जरिए मौके से रवाना किया गया। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला है कि एक ही ट्रैक पर दोनों ट्रेनों के आने से यह हादसा हुआ। साबरमती से आगरा की तरफ जा रही थी, उसका अजमेर के पास मदार के होम सिग्नल पर अवपतन हो गया। इस डेरेलमेंट के कारण से इंजन और चार जो जनरल के डब्बे थे उनका अवपतन हो गया है। हमारे अधिकारी जो है दुर्घटना स्थल पर तुरंत पहुंच गए हैं। कोई भी जनहानि नहीं हुई है इस पूरे घटनाक्रम में और कुछ जो मामूली चोट लगी थी पैसेंजर्स को, उनको तुरंत ही जन पास के अस्पताल में ले गया गया है। हमारे जो दुर्घटना राहत गाड़ी होती है वो भी साइट पर पहुंच चुकी है। राहत पहुंचाने का काम तुरंत कर दिया गया है और जो रिस्टोरेशन का काम है वो भी शीघ्र कर दिया गया है। हमारी पूरी उम्मीद है कि जो हमारी टीम है वो तुरंत ही साइट को रिस्टोर भी कर देगी। साबरमती ट्रेन हादसे के लिए जांच कमेटी का गठन किया गया है ताकि हादसे के पीछे की वजह का पता लगाया जा सके। कमेटी जल्द पूरी रिपोर्ट रेलवे को सौंपेगी। न्यूज 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अशोक भाटी की रिपोर्ट।